अध्यक्ष जी, कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए, ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लिया, आपने पाले के खिलाफ जवाब आ जाए, जिस माफिया के खिलाफ एफआईआर जो भी हो, किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी का नाम सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, कहीं सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी भी था, किस पार्टी का था, किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार पहनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर मत तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? कफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग, भी दूर का अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनके पास, ये तो आप कब जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है, अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। कहीं सच नहीं क्या? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ पोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो, आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा आप अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था और यही नहीं 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है
बात सुनिए, जो बात कह रहे हैं अगर आप जो बात कही जा रही है उसको सुनिए। 12वें ओवर में सीएम का शॉट सीधे कप्तान आलोक रंजन के हाथ में चिपक गया। ये क्रिकेट खेलना है, पहली बॉल में कैच आउट हो रहे हैं, लेकिन वहां से कह दिया जाता है कि ये तो नो बॉल है। और अगर वह ये छक्का मारते ना, तो कहते रे छक्का मार दिया, तो ये ऐसे ही छक्के हैं। नो बॉल को छक्के से हम जोड़ देंगे। और तब महोदय, तब देखें शिवपाल जी ने तब फिर टिप्पणी की थी। शिवपाल जी उस समय कैबिनेट मंत्री थे। देखिए, कुछ चीजें तो बहुत होती हैं, भाइयों बिन होई न प्रीति, भगवान राम ने बात कही थी, मैं उस पर भी अभी चर्चा करूंगा। उन्होंने, मैं आपको पूरी चौपाई सुना देता हूं, उन्होंने कहा था, विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बोले राम सकोप तब। इधर के भय से ही सही, इधर के ही भय से सही, लेकिन कम से कम काका श्री को सम्मान मिलना प्रारंभ हो गया। उन्होंने उस समय बहुत अच्छी टिप्पणी की थी। उन्होंने एक बात की थी, देखिए ये तो देखिए, ये नव भारत टाइम्स की वो है उस समय की, हाँ, ये है 16 फरवरी 2014। और उस समय उन्होंने कहा था, हमेशा अच्छी नीयत से खेलना चाहिए। मेरे पास भी खेल का सर्टिफिकेट है और मैं आज भी खेल रहा हूं, हालांकि मंजिल तक पहुंचने के लिए खेल के साथ साथ दांव पेच भी आने चाहिए। और इनके एक और चाचा जान थे, उनका बयान भी आया, सीएम साहब अच्छी बात है, आपको खेलने का वक्त मिल जाता है। आप समझ सकते हैं, खुदा न खास्ता आप हार जाते तो मैं यही कहता कि अधिकारियों का ध्यान खेल पर ज्यादा है, काम पर कम। अधिकारी हार गए तो माना जा सकता कि थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। आप जान ही रहे हैं कौन। महोदय, ये इनका खेल होता था, और ये खेल तो और भी जगह इनके होते थे, बहुत खेल होते थे प्रदेश में, खेल ही खेल तो होते थे, खेल तो प्रदेश की जनता ने बहुत देखे हैं। महोदय, इतने खेल, लैपटॉप घोटाले का खेल, खाद्यान्न घोटाला का खेल, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का खेल, केक की रिपोर्ट अभी आई है एक, महोदय एक कार्यकाल का 97,000 करोड़ रुपए के घोटाले का उल्लेख उन्होंने किया है, 97,000 करोड़। भर्ती घोटाला का खेल भी प्रदेश के अंदर हुआ है, और चयन आयोगों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, भर्तियों में जमकर भ्रष्टाचार और प्रतिभा के साथ छल, ये भी खेल होता था। और मुजफ्फरनगर के दंगे, मथुरा में राम वृक्ष कांड का खेल, और महोदय खन्ना जी के जनपद में एक पत्रकार जोगेंद्र सिंह को जिंदा जला दिया गया था, ये भी तो खेल हो रहा था। और भी तमाम चल रहे हैं, बुंदेलखंड की क्राइसिस, सबसे
वो माफिया अलग थे। चल रहे हैं उस पर भी आऊंगा अभी। तमाम एक खेल एक और चल रहा था, आतंकियों पर लगे मुकदमों को वापस लेने का खेल भी चल रहा था। ये सभी खेल उत्तर प्रदेश के अंदर चलते थे महोदय। ये खेल कहां तक लेके जाएंगे लोग? और तो मुझे कर रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा कुछ नहीं खेलना है। देखो मैं एक सामान्य व्यक्ति और हर एक के साथ बहुत सद्भावना के साथ पेश आता हूं, सम्मानजनक व्यवहार करता हूं, सबका साथ और सबके विकास की बात करता हूं, लेकिन मैंने कह दिया ना कि कम से कम इधर के बहाने आपने काका श्री को ही सम्मान देना शुरू कर दिया। और शिवपाल जी सचमुच में जब आपको देता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लग जाता है। आप जैसा अनुभवी व्यक्ति सचमुच हर बार चले जाते हैं, बार बार अपमानित होते हैं। आपके अनुभव, आपके संघर्षों का लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। और अरे आप चिंता मत करिए, देखिए हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और उनको जो है ये सम्मान मिलना भी चाहिए। नहीं क्यों नहीं मिलता है? मैं आप जैसे आपसे मिलता हूँ वैसे मैं उनसे भी मिलता हूँ, और क्यों नहीं मिलेंगे? हाँ क्यों नहीं, बार बार मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। नहीं नहीं उनकी सिक्योरिटी भी उनको दी जानी चाहिए, और सिक्योरिटी मुझे लगता है जितने जरूर आप कह रहे हैं जरूर करेंगे, आपने सिफारिश कर दी है, जरूर उनको मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। और चाचा को भी अपने स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। मौत है, लेकिन मैं एक बात बात जानना चाहता हूँ। शहर पे तो शहर पे है, शहर पे भी कह दीजिए शहर पे। मौत है, एक और प्रकरण जो इन्होंने इस दौरान उठाया, जब पूरी दुनिया पूरा देश यूपी के अंदर आया था, हाँ आपने आखिर क्यों इतना उनका अपमान कर रहे थे? मुझे इसीलिए लगता है, देखिए मैं सही बता रहा हूं, मैं जब शिवपाल जी को देखता हूं वो बेचारे सम विषम परिस्थितियों में जिस उसके साथ रहते हैं उनको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लगता है। और मैं उनके कह सकता हूं, और बहुत सहज दृश्य उनका, जो सरल स्वभाव है, तो उस सरल स्वभाव के नाते मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, देखो ज्यादा अपमान करना बंद कर दें, सम्मान देना शुरू करें, और उनको उनकी गरिमा के अनुरूप को करना चाहिए।